हाँ जी, चलो जल्दी से लाओ, लाइव आओ, फिर स्टार्ट करेंगे। आप प्योर सब्सटेंसेस अपन पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत उसके बारे में अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में। हाँ, 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं अपने साथ। हाँ जी, लाइव आइए जल्दी से, स्टार्ट करेंगे, लेट हो गए हैं आप लोग। लाइव आओ सब लोग फटाफट।
हेलो, यस सर, आवाज आ रही है क्लियर? यस, हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं वो बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फिर अपन स्टार्ट करते हैं। भाविक भंडारी, हाँ जी, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, बोल के भी बता सकते हो। यस, चलिए। तो डियर, अपन सबस्टांस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे, और प्योर सबस्टांस में आइडियल गैस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और टीएस डायग्राम और टीएच डायग्राम कैसे बनता है, कैसे फेज चेंज होती है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख चुके हैं, है ना? तो फटाफट एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अपन ने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस किसको बोलते हैं? अ गैस इन विच नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज आइडियल गैस, ठीक है? और आइडियल गैस को अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? दैट इज लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो डेंसिटी, ठीक है? अगर ये कंडीशन होंगी तो अपन आइडियल गैस अचीव कर सकते हैं। और आइडियल गैस दो टाइप की होती है, ये भी देखा था अपन ने। एक होता है परफेक्ट गैस और एक होता है सेमी परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस एंड सेमी परफेक्ट गैस बोथ आर ऑफ आइडियल गैस, दोनों आइडियल गैस ही हैं। परफेक्ट गैस किसको बोलते हैं? व्हेन द सीपी एंड सीवी आर कांस्टेंट। सीपी और सीवी अगर कांस्टेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं परफेक्ट गैस, और सीपी और सीवी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर वेरी करते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी परफेक्ट गैस। तो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सेमी परफेक्ट गैस, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द आइडियल गैस इन विच सीपी एंड सीवी आर वेरिएबल, एंड परफेक्ट गैस इट इज द आइडियल गैस विद कॉन्स्टेंट सीपी एंड सीवी, ठीक है? फिर अपन ने टीएस डायग्राम और टीएच डायग्राम बनाया था, फेज चेंजेस कैसे होते हैं। और एक एग्जांपल लिया था वाटर का, ठीक है? और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके अपन ने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करा था, और ये डायग्राम बनाया था। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम अपने को मिला था, ठीक है? ये कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन्स हैं टीएस डायग्राम पे। ये मान लीजिए P1 कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, दिस इज P2 कांस्टेंट, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, P2 इज ग्रेटर देन P1, क्लियर? इस पूरी लाइन पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है डियर? और अपन ने देखा था कि ये तो रीजन है, इस पूरे रीजन में क्या है? लिक्विड है, और इस पूरे रीजन में क्या है? वेपर है, ठीक है? वेपर को मैं V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लिक्विड को L से, और ये जो डोमेन है इसके अंदर का रीजन जो है, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों है, क्लियर? ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है? और इस लाइन को अपन ने बोला था सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्लियर? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन आर मीट, क्लियर? और इसी तरीके से ये अपन डायग्राम बनाया था, सेम इसी तरीके से टीएस डायग्राम बनता है, और ये सब बातें अपन लास्ट टाइम पे कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से टीएस डायग्राम बनता है, कोई फर्क नहीं होता टीएस और टीएस डायग्राम में, ठीक है? सेम ऐसे ही प्रेशर लाइंस होती हैं ये। दिस इज P1 कांस्टेंट लाइन, P2 कांस्टेंट लाइन, क्लियर है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सेम इसी तरीके से लाइन बनती है। तो डियर, टीएस और टीएच डायग्राम ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। टीएस डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व एंड टेम्परेचर एंथैल्पी कर्व बोथ आर सेम। इसमें भी बात करें तो इस पूरे रीजन में लिक्विड है, पूरे रीजन में वेपर है, यहाँ पे लिक्विड वेपर है, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन, एंड दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर? ये सब बातें अपन लास्ट टाइम पे कर चुके, ठीक है डियर? अब मेरे को ये बताइए, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए। और यस, आपके साथ वाले आज नहीं आए हैं क्या? ग्रुप में मैसेज वगैरह कर दिया भाई, तो ग्रुप में मैसेज डाल दो कि स्टार्ट हो चुके हैं, और आप बोल भी सकते हैं। यस, मेरे को सुनाई देगा आप बोलेंगे तो। मिस्टर यस,
आप लिखे हैं, इससे अच्छा बोल के बता दीजिए कि क्या है। आपने ग्रुप में मैसेज डाला कि बच्चे क्यों नहीं आए आज, और कोई डाउट है तो वो भी बता दीजिए, अपन स्टार्ट करते हैं दवाई जाके फिर। सुन रहे हो आप मेरी आवाज? सुन रहे हो, आवाज आ रही है आपको मेरी? कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए टीएस और टीएच डायग्राम अपन ने बनाना सीख लिया है ना। अब अपन बात करते हैं कि सब कूल रीजन क्या होता है, सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, वेट रीजन क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब कूल रीजन। देखो डियर, सब कूल रीजन पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व बनाऊं या टेम्परेचर एंथैल्पी कर्व बनाऊं, तो अभी अपन ने बात करी कि दोनों कर्व सेम होते हैं, सेम नेचर होता है इनका। ये टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व है और इसपे कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये अपनी कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व पे ये अपनी कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। क्लियर? दिस इज P1 कांस्टेंट, और मान लीजिए दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, एंड दिस इज P2 कांस्टेंट। ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ करी। देखो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि पूरा गलत स्टेटमेंट है, पूरा सही स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और ये सारी चीजें प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होती हैं। अपन ये नहीं बोल सकते कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, अपन क्या बोलेंगे? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि प्रेशर अगर वेरी कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। हायर प्रेशर पे हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर पे लो टेम्परेचर होता है। ये सब चीजें कहां से आई? देखो अगर अपन बात करें इस कर्व की, दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, एक टर्म होती है सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस कर्व को, ये जो कर्व है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलते हैं, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन सैचुरेटेड कर्व को जहां पे काटेंगी, उस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये इसको यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है। बात समझ में आ रही है? इन दो पॉइंट्स पे काट रही है, तो इन दो पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, ये इस पॉइंट को अपन बोलेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर इस P1 प्रेशर के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए मैंने बोल दिया T1। ऐसे ही ये P2 प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं, तो यहां पे काट रही है और यहां पे काट रही है। बात समझ में आ रही है? ये दूसरी प्रेशर लाइन यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, यस और नो? तो सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होता है, एक किसी फिक्स प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। अगर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो सैचुरेशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे फेज चेंज होता है। अपन ने देखा था कि यहाँ पे पूरा लिक्विड है और यहाँ पे पूरा वेपर है, यहाँ से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पूरा लिक्विड है धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे आके पूरा कन्वर्ट हो गया। ये सैचुरेशन टेम्परेचर आपको क्या बता रहा है? ये वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे पानी का बॉइल कर रहे हैं मान लीजिए, तो पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा या स्टीम वाटर में कंडेंस हो जाएगी। क्लियर है? तो ये एक सेचुरेशन टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर के रेस्पेक्ट में होता है। अगर प्रेशर चेंज हो गया तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे P1 के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर है दिस, और P2 के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर है दिस इज। देखो प्रेशर बढ़ा, सेचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो सेचुरेशन
टू इज ग्रेटर देन टी सैचुरेटेड एट वन, सैचुरेशन टेम्परेचर सेकेंड पोजिशन में ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर बढ़ेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर बताता क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे फेज चेंज होती है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है, फेज चेंज होता है। क्लियर है? हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि सबकूल रीजन बोलते हैं। तो सबकूल रीजन को सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ। टीएक्स डायग्राम अपन ने बनाया है और इसपे दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करी है, पी वन कॉन्स्टेंट और पी टू कॉन्स्टेंट। डियर, एक टर्म होती है सेचुरेशन टेम्परेचर, दिस इज सेचुरेशन टेम्परेचर, और ये टर्म क्या बताती है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, अपन क्या करेंगे कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ करेंगे, और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन सैचुरेशन कर्व को जहां पे काटेंगी उस पॉइंट का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर। इस कर्व को, इसको मैं सैचुरेशन कर्व बोल सकता हूं क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करिए यहां पे और यहां पे काट रही है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो गया, सैचुरेशन टेम्परेचर। यहां पे और यहां पे काट रही है तो सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। लेकिन ये सैचुरेशन टेम्परेचर हर प्रेशर पे अलग अलग है, पर इस प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर ये है, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर ये है। क्या समझ में आया आपने को कि सैचुरेशन टेम्परेचर जो है ये हर प्रेशर पे अलग अलग होता है, एक फिक्स प्रेशर पे एक फिक्स सैचुरेशन टेम्परेचर है। जैसे अगर अपन सैचुरेशन टेम्परेचर की बात करें कि एक्चुअल में होता क्या है, कि क्या बताता है सैचुरेशन टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसपे फेज चेंज होता है, लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अपन ने यहाँ पे बात की कि पी टू ग्रेटर देन पी वन है, ये पी टू है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर टू पे ज्यादा होगा कंपेयर टू सैचुरेशन टेम्परेचर एट वन। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं जैसे वाटर का एग्जांपल लूं, तो वाटर का अगर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि वाटर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, 2 bar पे है, तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर अब 100 नहीं होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। मीन्स वाटर अब 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होगा, वो 120, 130 कितने पे भी हो सकता है। क्लियर है? प्रेशर अगर रिड्यूस कर दोगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होता है, किसी एक सब्सटेंस का एक फिक्स सैचुरेशन टेम्परेचर नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, एज प्रेशर चेंजेस सैचुरेशन टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सबकूल रीजन किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन की, तो इस रीजन में देखिए मैंने कोई कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करी, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब इस रीजन के अंदर मैं कोई भी पॉइंट अगर लूंगा तो उस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो उस प्रेशर पे सैचुरेशन इस रीजन में मैंने कोई ये पॉइंट ले लिया, बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है, ये मान लीजिए T1 है,
और ये पॉइंट जिस प्रेशर पे है, ये प्रेशर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, तो इस प्रेशर का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उससे इसका टेम्परेचर कम होगा। मान लीजिए इस रीजन में आप कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हो, इससे पास होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, ड्रॉ करो, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए T2 है, ये P2 लाइन है, तो इस P2 प्रेशर का सेचुरेशन टेम्परेचर ये है, P2 प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर ये है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इस अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर उस प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर से कम होगा। मींस यहाँ पे क्या रहे, T1 इज ग्रेटर देन लेस देन T सेचुरेशन एट 1, ठीक है, T2 इज लेस देन T सेचुरेशन एट 2, क्लियर। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं उन सब का एक्चुअल टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर से कम होगा, क्लियर। अब टेम्परेचर कम है तो इसको अपन बोल सकते हैं ठंडा है ये, लाइक अपन बोलेंगे रसिया इज कोल्डर देन इंडिया, रसिया इंडिया से ठंडा है। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये रीजन में जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ठंडे हैं, उनका टेम्परेचर जो है उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से कम होगा। तो ठंडा वर्ड का अगर यूज करें, इसीलिए इस रीजन को बोल दिया अपन ने सब कूल्ड रीजन। क्या बोल दिया, दिस रीजन इज नोन एज कूल्ड रीजन। क्यों सब कूल्ड है, बिकॉज सब कूल्ड रीजन क्यों बोला, बिकॉज इन दिस रीजन, इन दिस रीजन द एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन द सेचुरेशन टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन द सेचुरेशन टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन द सेचुरेशन टेम्परेचर, इसीलिए इस रीजन को अपन ने क्या बोला, सब कूल रीजन। फिर ऐसी एक टर्म होती है जब आप पावर प्लांट वगैरह पढ़ेंगे तो आपके काम आएगा, डिग्री ऑफ सब कूलिंग, डिग्री ऑफ सब कूलिंग, या फिर इसको बोलते हैं अंडर कूलिंग, अंडर कूलिंग, डिग्री ऑफ सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। तो ये टर्म बताती क्या है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग, अपन ने बोला कि एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो सेचुरेशन टेम्परेचर से कम है, लेकिन कितना कम है ये बताती है ये टर्म, कितना कम है, टी सेचुरेशन माइनस टी। अगर पॉइंट वन पे बात करूं तो दिस विल बी द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, पॉइंट टू पे बात करेंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर है 2 माइनस T2, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है ये टर्म बताती है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। तो आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि सब कूल रीजन किसको बोलते हैं, इट इज अ रीजन इन विच द एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज सब कूल रीजन, क्लियर। अब देखो डियर, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है, सब कूल रीजन अपन कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन भी बोल सकते हैं, कैसे, ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने प्रेशर को फिक्स करा और टेम्परेचर चेंज करा, फिक्स प्रेशर एंड चेंज टेम्परेचर, यहां पे अपन बात करेंगे फिक्स टेम्परेचर एंड चेंज प्रेशर। देखो इस रीजन के अंदर मान लीजिए ये कोई पॉइंट लिया, ठीक है, इस रीजन के अंदर ये कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो इसके सेचुरेशन टेम्परेचर से क्या है, कम है, ठीक है। मान लीजिए P1 कांस्टेंट लाइन है, तो इस रीजन को अपन ने क्या बोल दिया, सब कूल रीजन, क्योंकि एक्चुअल टेम्परेचर इज लेस देन द सेचुरेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रेशर फिक्स है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए इस रीजन में कोई पॉइंट है, मेरे को क्या करना है, टेम्परेचर को फिक्स करना है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को कर दी क्योंकि टेम्परेचर एक्स्ट्रा है। अब इस पॉइंट से पास होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी, और सेचुरेशन कर्व पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो डियर आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका प्रेशर, ये P1 मान लीजिए और ये P2 कांस्टेंट, तो अपने को ये पता है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका प्रेशर जो है वो सेचुरेशन प्रेशर से कम होगा, या अपन बोल सकते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, एक फिक्स टेम्परेचर पे इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबका प्रेशर हाई होगा। इसका हाई देखो P2, इस रीजन में जो पॉइंट है इसका प्रेशर कितना है P2, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसका प्रेशर क्या है P1।
अपन ये पूछ सकते हैं कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। इज इट क्लियर? ये जो टेम्परेचर है ये सेचुरेशन टेम्परेचर है, बात समझ में आ रही है? तो एक सेचुरेशन टेम्परेचर से होती है मैंने लाइन ड्रॉ करी और इसका प्रेशर ये पी वन जो है कम है कंपेयर टू पी टू। इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका प्रेशर हाई होगा। तो इसी वजह से अगर प्रेशर हाई है मतलब कंप्रेस, कंप्रेस करना क्या बोलते हैं, अगर आप किसी भी चीज को कंप्रेस कर रहे हो तो उसका प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस रीजन के अंदर हाई प्रेशर है मतलब ये कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको सबकूल रीजन बोल दीजिए या कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन बोल दीजिए, ठीक है? दिस इज सबकूल रीजन और कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, क्लियर है? सबकूल रीजन बोलो या कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन बोलो, एक ही मतलब होता है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, BARC के इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, क्योंकि सबकूल रीजन तो बच्चे रट लेते हैं कि ये सबकूल रीजन है, लेकिन क्यों सबकूल बोलते हैं ये आई होप आप क्लियरिटी मिल गया होगा। और इसी कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन बोलते हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस रीजन के अंदर सबका प्रेशर हाई होगा। एट फिक्स टेम्परेचर द ऑल द पॉइंट्स हैव हायर प्रेशर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन। देखो डियर, एक सिंपल सी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिक्विड है और अपने को उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। लिक्विड का मतलब क्या हुआ? लिक्विड किसको बोलते हैं? जहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं और वेपर में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है लिक्विड में, और वेपर में और भी ज्यादा गैप हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच। तो मान लीजिए अपने को लिक्विड से वेपर बनाना है और मैं ये बात कर रहा हूं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो लिक्विड से अगर आपको वेपर बनाना है, प्रेशर आपको कॉन्स्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? देखिए, अगर अपने को लिक्विड से वेपर बनाना है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाएगी। बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल्स के पास हो क्या होगा? एनर्जी जाएगी। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाएगी तो इधर उधर ज्यादा भागेंगे, ज्यादा स्पीड से भागेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यही काम करना चाहता हूं सेम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख के, तो मेरे को प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बताइए? प्रेशर को अब अपन करेंगे डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेंगे? क्योंकि वेपर में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तभी तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे ना, तभी तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम्स में, कई बार ये पूछा गया है कि अगर अपने को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है या वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विड में सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ी दूर होते हैं और वेपर में और ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है तो प्रेशर डिक्रीज कर दो अगर लिक्विड से वेपर जाना है, और अगर वेपर से लिक्विड आना है तो अपने को मॉलिक्यूल पास पास में लाने हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर दो। समझ में आ रही है बात? और अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर अपन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? तो सब कूल रीजन और कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन आपका ये होता है, क्लियर है? देखो अब अपन आगे बात करते हैं सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन, जो बच्चे लाइव हैं चैतन्य सचिन, या आप लोग लेट हो चुके हैं है ना, 15 से 20 मिनट हो गया क्लास स्टार्ट हुए। सुपर हीटेड रीजन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कोई बात नहीं, आप लोग लेट आए लेकिन ये चीज समझना, समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा पीछे का, लेकिन यहां से इसको समझना, फिर मैं पीछे का रिवाइज कर दूंगा आपको। सुपर हीटेड रीजन क्या होता है? देखो, अगर मैं टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व बनाता हूं, ठीक है, ये टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व है अपना, क्लियर, और इस पे ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब डियर अगर मैं इस रीजन की बात करूं, देखो इस रीजन को अपन ने क्या बोला? सब कूल्ड रीजन, ठीक है? अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये मान लीजिए T1 है, और ये लाइन जो है P1 कांस्टेंट वाली लाइन है,
और अगर मैं इस लाइन पे सेचुरेशन प्रेशर निकालूं तो ये सेचुरेशन प्रेशर है करस्पॉन्डिंग टू पी वन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर से हाई होगा, टी वन इज ग्रेटर देन टी सेचुरेशन। बात समझ में आ रही है? मीन्स इन दिस रीजन ऑल द पॉइंट्स हैव ऑल द एट द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट्स इज हायर देन द सेचुरेशन टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं? द एक्चुअल टेम्परेचर इज हायर देन द सेचुरेशन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज सुपर हीटेड रीजन। भाई टेम्परेचर हाई है और हाई मतलब है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड रीजन। तो दिस रीजन इज नोन एज सुपर हीटेड रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज सब कूल रीजन। क्लियर? और ये पॉइंट अपना क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्लियर? देखो मैंने अभी अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया उसको बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ। आप लोग लेट हो गए, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। ये टीएच डायग्राम बनाना और टीएच डायग्राम बनाना ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। और इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इस पूरी लाइन पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। पी वन कॉन्स्टेंट एंड दिस इज पी टू कॉन्स्टेंट लाइन, पी टू कॉन्स्टेंट लाइन। ठीक है डियर, ये जो रीजन होता है इस पूरे रीजन, देखो यहां से लिक्विड है, अपन ने किया था 20 डिग्री सेल्सियस पे और यहां तक वाटर था, उसके बाद में वाटर क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट होना, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। यहां तक पूरा लिक्विड था, ठीक है, यहां से कन्वर्जन स्टार्ट हुआ धीरे 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 और पूरा यहां पे आके कन्वर्ट हो गया लिक्विड वेपर में। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं यहां पे पूरा क्या मिल गया? वेपर। इस रीजन के अंदर लिक्विड वेपर है, इस लाइन के इधर पूरा लिक्विड है, इस लाइन के इधर पूरा वेपर है। बात समझ में आ रही है? इस रीजन को अपन बोलते हैं सब कूल रीजन और इस रीजन को अपन बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, क्लियर? ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन एंड क्रिटिकल पॉइंट। ये तो लास्ट टाइम पे भी अपन बात कर चुके थे। अब अपन इस डोमेन की बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? यार इस डोमेन की बात करें तो यहां पे लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सर है, लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सर है। लाइक देखिए, इस रीजन में मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। ये लिक्विड हो गया और ये वेपर, दोनों का मिक्सर है। देखो इस पॉइंट पे अपने पास क्या है? पूरा लिक्विड। इस पॉइंट पे अपने पास क्या है? पूरा वेपर। मान लीजिए मैं वोटर दे देता हूँ आपको 1 kg, वोटर दे देता हूँ 1 kg। तो ये वोटर जो है ये यहां वाला है, ये अब धीरे इस हीट सप्लाई करोगे तो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विड मिलेगा, थोड़ा बहुत वेपर मिलेगा और जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करते जाओगे वाटर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा लिक्विड अपना कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो ये वेपर जो है वो यहाँ वाला है और ये दोनों का मिक्सर जो है वो यहाँ पे बीच में कहीं मिलेगा। ये लिक्विड है एंड दिस इज वेपर। तो ये जो रीजन है इस रीजन में आपको लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सर मिलेगा, इसलिए इस रीजन को अपन बोलते हैं वेट रीजन। लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सर आपको मिलेगा, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं वेट रीजन। मैं सबसे पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि कौन सी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, किस रीजन पे अपने को क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वेट रीजन में, अगर इस वेट रीजन में थोड़ा सा और एनालिसिस करी जाए तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, पी कांस्टेंट मान लीजिए। क्लियर है? इस वेट रीजन को एनालाइज करो, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है फेज चेंज होना। तो इस पूरे वेट रीजन में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। मान लीजिए आपको मैंने वाटर की बात करें और प्रेशर मान लो 1 atm है, 1 atmospheric प्रेशर है, तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है 1 atm प्रेशर पे। तो ये लिक्विड जो है ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है अभी और ये वेपर जो है ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। बात समझ में आ रही है? मीन्स इस रीजन के अंदर आपको जो लिक्विड वेपर का मिक्सर मिलेगा उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, उन दोनों का प्रेशर भी सेम होगा।
अगर मैं बात करूं कि यहां पे इस रीजन में जो भी पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, जिस भी पॉइंट्स की आप बात करोगे, उस पॉइंट पे जो मिक्सर होगा, उस मिक्सर में लिक्विड सब्सटेंस और वेपर सब्सटेंस दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे, सेम प्रेशर पे होंगे, और इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी क्योंकि दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बोला था केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया था, और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस है तो केमिकल रिएक्शन होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन इन दोनों का तो जो आपका केमिकल पोटेंशियल है वो सेम है क्योंकि दोनों ही H2O है, वो एक लिक्विड फेज में और वेपर फेज में है, तो H2O ही, तो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 है, मीन्स दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, और दोनों का प्रेशर सेम है मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है। तो तीनों इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पे है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। और अगर ये तीन इक्विलिब्रियम अगर अपन इंडिविजुअली अचीव कर लेते हैं तो उस सिस्टम को अपन बोलते हैं कि वो थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो वेट रीजन है क्या? इट इज द रीजन इन विच लिक्विड एंड वेपर फेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। वेट रीजन को अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज द रीजन इन विच लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? तो ये वेट रीजन होता है, ठीक है। तो सारे रीजंस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ये सब कूल रीजन हो गया, ये सेचुरेटेड रीजन हो गया, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, सेचुरेटेड वेपर लाइन, वेट रीजन, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? तो टीएस डायग्राम या टीएस डायग्राम पे ये जितने भी रीजन्स हैं इन सब के बारे में अपन देख चुके हैं कि कौन सा रीजन क्या है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे कि हीट के टाइप्स। देखिए आपने हीट पढ़ा होगा, हीट दो तरह का होता है, एक होता है सेंसेबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। एक तो होता है सेंसेबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेंसिबल हीट क्या होता है? इट इज द हीट ट्रांसफर दैट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज। अगर किसी भी सब्सटेंस को आप सेंसिबल हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। क्लियर? इट इज द हीट ट्रांसफर दैट इज एसोसिएटेड टेम्परेचर चेंज। हीट ट्रांसफर दैट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज इज नोन एज सेंसिबल हीट। लाइक सेंसिबल हीट को अपन लिखते हैं MC∆T, ठीक है। अगर आप सेंसिबल हीट ट्रांसफर करोगे तो डेल्टी ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस है। ऐसे एक होता है लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन। लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज अ हीट ट्रांसफर दैट इज एसोसिएटेड विद फेज चेंज, या हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद फेज चेंज। हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विद फेज चेंज। फेज चेंज की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। फेज चेंज की वजह से जो हीट ट्रांसफर है, या जो हीट ट्रांसफर फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से वेपर बनाना है, वेपर से लिक्विड बनाना है, तो फेज चेंज के लिए जो हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। लाइक देखिए, समझना इसको ध्यान से। टेम्परेचर एंथैल्पी कर्व मैं बना रहा हूं, ये कोई कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करी मैंने। यहां पे क्या है? डियर पूरा लिक्विड, और यहां पे क्या है? पूरा वेपर। तो यहां से फेज चेंज होना स्टार्ट हो रहा है और यहां पे आते आते पूरा फेज चेंज हो गया।
मीन्स मैं बोल दूंगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे पूरा लिक्विड में है और ये फेज चेंज होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आते आते पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आते आते पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे फेज चेंज स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को बोल देता हूँ पॉइंट नंबर वन, और इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट नंबर टू। ये एंथैल्पी एक्सिस है, ये क्या बताएगा? ये बताएगा एच वन एंथैल्पी एट पॉइंट वन, ये आपको बताएगा एंथैल्पी एट पॉइंट टू। और अगर मैं इस रीजन में एंथैल्पी की बात करूं कि क्या हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? फेज चेंज। तो डियर देखो, फेज चेंज प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यहां से फेज चेंज स्टार्ट हुआ और यहां पे आके फेज चेंज कंप्लीट हो गया। यहां पे मान लीजिए लिक्विड था, यहां पे आके पूरा वेपर बन गया, तो फेज चेंज यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके खत्म हुआ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे फेज चेंज हो रहा है। मैंने आपको जब थर्ड चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट लो, तो उसमें बताया था व्हाट इज द हीट ट्रांसफर दैट इज एसोसिएटेड विद फेज चेंज इन, सॉरी, व्हाट इज द हीट ट्रांसफर दैट इज एसोसिएटेड विद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर में हीट ट्रांसफर क्या होता है, और आपने बात करी थी दैट इज इक्वल टू डीएच। याद है, डीएच कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है डीएच के बराबर। अब देखो ये अपन को क्या निकालना है, फेज चेंज में कितना हीट चाहिए, तो डी क्यू अपने को निकालना है फेज चेंज में, और ये जो डी क्यू होगा इसी को अपन बोलेंगे लेटेंट हीट। और डियर यहां पे फेज चेंज जो हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो फेज चेंज के लिए जितना हीट चाहिए वो हीट कांस्टेंट प्रेशर हीट के बराबर है, और ये किसके बराबर आ रहा है अपने पास, डी एच के बराबर। और डियर इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को लेटेंट हीट। तो अपन बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट इज इक्वल टू डी एच, और डी एच का मतलब क्या है यहाँ पे, एच टू माइनस एच वन। तो वॉट इज लेटेंट हीट, दैट इज एच टू माइनस एच वन, दिस इज द लेटेंट हीट। क्लियर? अब एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अजम्पशन नोटेशन है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इसको अपन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सबको अपन जी से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको रट देते हैं, बच्चे बोलते हैं एफ का मतलब फ्लूड, जो कि गलत है। अरे फ्लूड में तो लिक्विड और गैस सब आते हैं ना, तो यहाँ पे तो लिक्विड ही पूरा, गैस तो इधर है, और ये जी का मतलब बच्चे बोल देते हैं गैस। नहीं, ये फ्लूड और गैस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये नोटेशन है। एफ और जी से बोल दिया, किसी और वर्ड से बोल देते, ए बी से भी बोल देते। फ्लूड का मतलब कभी, ये एफ का मतलब कभी फ्लूड मत बोल देना, नहीं गलत है ये। एफ का मतलब आपने जैसे ही फ्लूड बोला ये गलत है, क्योंकि फ्लूड में तो एयर भी आता है, गैस भी आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा लिक्विड ही है। बस ये एक नोटेशन है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हम सबको एफ से बताएंगे और इस पे जी से बताएंगे। तो ये टू पॉइंट कहाँ है इस लाइन पे, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ एच जी, इसको लिख देता हूँ एच जी। इसको अपन लिख देंगे एच जी, और वन जो पॉइंट है ये उस लाइन पे, इसको देखेंगे एच एफ। तो लेटेंट हीट को अपन एच जी माइनस एच एफ भी लिख सकते हैं, और एक और अपन यूज करते हैं एच जी माइनस एच एफ के लिए, इसको अपन एच जी भी लिख सकते हैं। और ये जो है नोटेशन, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नोटेशन है, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जी गैस और एफ फ्लूइड को नहीं बता रहा है, इज इट क्लियर? तो आपका लेटेंट हीट क्या हो गया, लेटेंट हीट होता है, दिस इज द लेटेंट हीट। तो ये वो हीट है जो फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड है, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एच जी माइनस एच एफ। क्लियर? एच जी माइनस एच एफ। देखो थोड़ा सा और इसके बारे में लेटेंट हीट का एनालाइज करा जाए, थोड़ा सा और इसको अगर एनालाइज करें, टेम्परेचर एंथैल्पी कर्व अगर अपन बनाते हैं, तो देखो डियर मैंने किसी एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये लाइन ड्रॉ करी, P1 कांस्टेंट। तो ये जो है, ये जो एंथैल्पी डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट एट दिस प्रेशर। मान लीजिए मैं इससे हाई प्रेशर की लाइन ड्रॉ करता हूँ P2 कांस्टेंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट हो जाएगा, ये अलग होगा, दिस इज LH2। और हाई प्रेशर पे जाएंगे तो ये P3 कांस्टेंट वाला प्रेशर हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट हो गया ये LH3। तो आप यहां से क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे P3 जो है दैट इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये सेचुरेशन टेम्परेचर 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेटेंट हीट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, लेटेंट हीट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही मैं क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचूंगा, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट।
जैसे ही मैं क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचूंगा, लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसको आप लेटेंट हीट बोल दो या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? एज प्रेशर इंक्रीजेस और सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेटेंट हीट डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। एज प्रेशर इंक्रीजेस, लेटेंट हीट डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स जीरो, इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज इक्वल टू जीरो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेटेंट हीट डिक्रीज होती जा रही है, और ये क्रिटिकल पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट के बारे में अपन ने एनालिसिस कर लिया। डियर, फेज चेंज को थोड़ा सा पढ़ते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फेज चेंज जो, फेज चेंज मींस अपन बोल सकते हैं बॉइलिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, अब्लिमेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सारे के सारे फेज चेंज प्रोसेस हैं। मैं अभी आपको आगे समझाने वाला भी ये मतलब क्या है इन सब का। तो ये जितने भी फेज चेंज प्रोसेस हैं, ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो, अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूं, दिस इज द टीएस डायग्राम। क्लियर? अपने को पता है कि फेज चेंज यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे आके फेज चेंज खत्म हो जा रहा है। तो यहां पे ये फेज चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो लिक्विड से वेपर बन रहा है, और अगर इधर से इधर आ रहा हूं तो वेपर से लिक्विड बन रहा है। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, फेज चेंज, देखो ये स्टेट वन है और ये स्टेट टू, तो प्रोसेस वन से टू क्या है? ये एक फेज चेंज प्रोसेस है। फेज चेंज प्रोसेस, प्रोसेस बोलेंगे इसको, क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट पहले चैप्टर में पढ़ा था, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, इसकी बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं फेज चेंज की बात करता हूं, तो इस से लेके यहां तक हर जगह क्या है? हर जगह टेम्परेचर सेम है। ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस इज सेचुरेशन टेम्परेचर। यहां भी यही टेम्परेचर है, यहां भी यही है, यहां भी यही है, यहां भी यही है, हर जगह टेम्परेचर सेम है। अगर प्रेशर की बात करें तो इस पूरी लाइन पे प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, पूरी लाइन पे, पूरी लाइन पे प्रेशर भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टेम्परेचर हर जगह सेम है, प्रेशर हर जगह सेम है, मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। और डियर, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, देखो यहां से मैं वन से टू जा रहा हूं तो प्रेशर सेम है, हर जगह प्रेशर सेम है। अगर मान प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दूं, टू से वन आऊं, तो मैं सेम ही पाथ फॉलो करूंगा। वन से टू वाला पाथ और टू से वन वाला पाथ क्या है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। हर पॉइंट किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो अपन इसको कैसे प्रोसेस बोलेंगे? अगर फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ सेम है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। मींस ऑल द फेज चेंज प्रोसेस आर रिवर्सिबल, जितने भी फेज चेंज प्रोसेस हैं। अब आज से आपको कोई भी फेज चेंज प्रोसेस का नाम ले ले जाए, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, कोई भी फेज चेंज प्रोसेस का नाम ले ले जाए, सारे के सारे कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे। क्यों रिवर्सिबल है ये अपन ने समझ लिया, क्योंकि फेज चेंज, अगर फेज चेंज प्रोसेस की बात करें, हर जगह टेम्परेचर सेम है, हर जगह प्रेशर सेम है, मीन दिस प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? ये इक्विलिब्रियम में है, तो फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स के पाथ क्या होगा? सेम होगा। फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ क्या होगा? सेम होगा। और ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स पाथ इज सेम, मीन्स दिस प्रोसेस इज इन, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। दैट्स व्हाई ऑल द फेज चेंज प्रोसेस आर रिवर्सिबल। और डियर, अगर इसको स्टडी करें तो ये इंटरनली रिवर्सिबल है। कैसा है? इंटरनली रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूं, सिस्टम के बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं सिस्टम के बाहर की बात नहीं कर रहा। दिस प्रोसेस इज इंटरनली रिवर्सिबल। क्लियर?
किसकी बात हो रही है, अंदर की बात, समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी के बारे में समझाता हूँ कि व्हाट इज इंटरनल रिवर्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। लेकिन पहले ये बताइए, ये समझ में आया कि एचिंग प्रोसेस जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, प्रणाली साक्षी। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये? आप लोग बोल भी सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं बोल भी सकते हैं, मेरे को आवाज आ जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ, रिप्लाई करो। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आपको ये चीजें समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? पराग, पराग सर आप तो बहुत लेट हो गए, 1 घंटा लेट आए पूरे। देखो मैंने आज आपके लिए सोचा था कुछ कि मैं जो थर्मोडायनामिक्स जो ये सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, अब आपका ज्यादा नहीं बचा, एक और इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम पे शायद कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 क्लासेस में। तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की सोची थी। एक्चुअल में इंजीनियर्स एकेडमी का एक बैच चलता है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, और रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में थर्मोडायनामिक्स, सॉरी सर मैं लेट सीन किया, अच्छा कोई बात नहीं, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में अभी थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हुआ है, तो वहां से मेरे स्टूडेंट ने मेरे को नोट्स भेजे हैं पूरी क्लास के नोट्स बना के, तो वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वहां पे थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा है क्योंकि वहां पे मेरे को टाइम ज्यादा मिला था, लगभग 72 आवर्स में मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, और आपके यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड टाइम है, लेकिन टॉपिक अपन ने सारे कवर कर लिए और अच्छे से कवर करे हैं। बस फर्क जो आ रहा है वो क्वेश्चंस का है, अपन ने यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी है। उस बैच में मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि रैंक इंप्रूवमेंट बैच में जो हम पढ़ाते हैं वो 8 के रैंकर्स को पढ़ाते हैं जो किसी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए उस बैच में होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे एनआईटी के भी काफी सारे बच्चे हैं जिनके 4,000, 3,000, 5,000 रैंक है, तो उसके नोट्स मैं आप लोगों को देने के लिए सोच रहा था। लेकिन क्लास में मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी क्लास में कोई सीरियस है, बार बार पूछने पे भी रिप्लाई नहीं करते। हम लोग आप यहाँ पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि कैसे बच्चों का भला हो, कैसे हम उनको नोट्स दें, क्वेश्चंस दें ताकि वो घर बैठ के पढ़ें, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं आपके साथ। ये स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी बोला था, अगर आप सिंसियरली पढ़ लेते तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो आपका अच्छा हो जाता, और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उसमें आएगा ही, टेक्निकल कॉम्पिटिशन में। गेट की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो आप, एई किसी भी स्टेट के एई या जेई की बात कर लो, हर एग्जाम में इसका अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप मेहनत करिए डियर। अगर आज से भी आप सोचते हैं कि हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है ना, तो आज से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई लेट नहीं हुआ है। पुराने क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज वालों से बोलो क्योंकि रिकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करवा दी गई है, उनसे रिकॉर्डिंग लो और उनको पढ़ो। और अगर आप सिंसियर हैं, चाहते हैं पढ़ें, तो आप मेरे को नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना 9782175527, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम और कॉलेज लिख के भेज देना, तो मैं वो फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। लेकिन डियर देखो, हम लोग अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन घर आके हम आपको तो नहीं पढ़ा सकते ना, अब वो तो आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, अच्छी तरीके से चीजें बता सकते हैं, आपका कोई डाउट हो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन पूरे दिन तो हम आपके साथ नहीं रहते कि आपको बोलें बैठे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो आपके अंदर से ही आनी चाहिए। और बच्चे भी नहीं हो कि आपको एक एक चीज समझाई जाए, मैच्योर हो, आपको ये नहीं बोल, आपको खुद अपनी चीजें पता है कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है और क्या नहीं करना, वो कोई तीसरा आदमी आपको बताए आके तो अच्छा थोड़े ना है, वो आपको ही पता है, आप लोग मैच्योर हो। कोई अपन 10th 11th के स्टूडेंट नहीं है कोई आके हमें समझाएगा कि हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए,
अब अपन बीटेक कर रहे हैं और 1-1.5 साल में अपना बीटेक कंप्लीट होने वाला है, डिग्री मिलने वाली है, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, और ये सब चीजें आप सोच सकते हैं। अब आप मैच्योर हो, अपना अच्छा बुरा भला क्या है वो आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, आज नहीं करोगे तो बाद में करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? और हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, चलो आप थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं चीजों पे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज से भी आप सोचते हैं कि हमें स्टार्ट करनी है पढ़ाई, तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप करना। अब आपको करना क्या है कि पुराने लेक्चर स्टार्टिंग से वापस देखो, पहला लेक्चर। अब आपको नोट्स लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आपके सामने पूरा नोटबुक रहेगा, तो आप पहला लेक्चर पढ़ो और उस नोट्स में से देखते जाओ कि क्या क्या है। कुछ लगता है कि आपको एक्स्ट्रा लिखना चाहिए तो उसमें लिख लो, नोट कर लो, उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी हैं तो वो क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो। कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे तो तब ना जब आप डाउट भेजोगे। डाउट कब आएंगे? जब आप पढ़ोगे। पढ़ ही नहीं रहे आप लोग, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होता है कि 2-2.5 घंटे ठीक है टाइम पास के लिए आप आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपने बाहर की लाइफ देखी नहीं है अभी, आपने वो एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है। डे बाय डे जॉब्स कम होती जा रही हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो सही टाइम पे मेहनत स्टार्ट कर दोगे तो ही बेनिफिट है, नहीं तो आगे जाके बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। क्लियर है? तो मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए वो मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना अपना नाम और कॉलेज, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर? और आगे जो भी सब्जेक्ट्स अपन पढ़ेंगे उन सबके नोट्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, और भी जो भी सर पढ़ाएंगे आपको सब नोट्स दे देंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पूरी इंजीनियर्स अकेडमी आपके साथ है, आपकी कॉलेज आपके साथ है, वो आपके लिए अच्छी स्कीम भी है, आप अच्छे से अच्छी चीजें समझ पा रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ना। हम आपको गाइड कर सकते हैं और वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से। क्लियर? चलिए, अगर आज से भी आप सोचते हैं तो भी बहुत कुछ अचीव हो सकता है, ये नहीं कि टाइम निकल गया। अभी आज से भी अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती है, बस मेहनत करो, स्टार्ट करो पढ़ाई आज। चलो डियर, तो अपन आगे बात करते हैं। और हाँ जी, पराग तो चले गए, साक्षी और प्रणाली, चलो अब आगे बात करते हैं। डियर, अपन पढ़ रहे थे कि जितने भी फेज चेंज प्रोसेस होते हैं, ऑल द फेज चेंज प्रोसेस आर रिवर्सिबल, एंड मोर प्रिसाइसली दैट इज इंटरनली रिवर्सिबल। अब इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी ये क्या है? जब आप आईसी इंजन पढ़ेंगे तो वहां पे एयर स्टैंडर्ड साइकिल को जब आप सोल्व करेंगे तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एक अजम्पशन होता है कि ऑल द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आर इंटरनली रिवर्सिबल, बट वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो ये फंडा क्या है इंटरनल रिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी का, इसको समझते हैं। देखो, मान लीजिए कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन हो गया और यहाँ पे एयर भरा हुआ है, यहां पे क्या है, ये एयर भरा हुआ है। आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं। एक बार आप इसको फास्ट कंप्रेस कर रहे हैं और एक बार आप इसको स्लो कंप्रेस कर रहे हैं, स्लोली। देखो डियर, होगा क्या जब आप इसको, अच्छा आप पहले थोड़ा सा वो याद कर लेते हैं जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते किसको हैं? व्हेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स पाथ आर एग्जैक्टली सेम, और ये सेम कब होता है, कब सेम होता है? व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द पॉइंट्स आर इन इक्विलिब्रियम। याद है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इनफाइनाइट स्लो, और वो कब स्लो होता है? व्हेन डिफरेंसेस, गैप जो होता है वो कम हो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा गैप उतना ही कम होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब दो पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पास पास हो, सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, ठीक है? तो कोई भी प्रोसेस अपन रिवर्सिबल तभी बोलते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, या इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को गैप बोल दिया था, गैप कम हो। अगर गैप लार्ज है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब देखो, अगर आप इसको फास्ट कंप्रेस करेंगे तो क्या होने वाला है? अगर हम इसको फास्ट कंप्रेस करेंगे
ये जो पिस्टन के नियर बाई मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, जैसे आप फास्ट कंप्रेस करेंगे तो ये पिस्टन के जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके टच में आएंगे और इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लो कि अभी कंप्रेशन से जस्ट पहले इस एयर का प्रेशर है 1 bar, मीन्स हर जगह प्रेशर क्या है 1 bar ही है। अब आप इसको फास्ट कंप्रेस करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स पिस्टन के टच में हैं, इनका प्रेशर बढ़ गया मान लो 5 bar हो गया, लेकिन इससे दूर जो मॉलिक्यूल हैं इनका प्रेशर तो अभी भी 1 bar ही है। और ये प्रेशर क्यों अभी भी 1 bar है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि ये प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम ही नहीं मिला। तो एक ही कंटेनर में यहाँ पे 1 bar प्रेशर, यहाँ पे 5 bar प्रेशर, यहाँ पे कुछ और होगा, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, तो ये प्रोसेस कैसा रिवर्सिबल। और ये अपन ने पहले चैप्टर में भी बात करी थी कि फास्ट अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल है। अगर यही काम स्लोली करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पूरा टाइम है, क्योंकि बहुत स्लो कंप्रेशन हो रहा है, तो आराम से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पूरे कंटेनर में सेम ही प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो स्लो कंप्रेशन करते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रेशर, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। अब यार इसको बोलेंगे इंटरनली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि अपन सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, अपने को सिस्टम के बाहर से कोई मतलब नहीं है। और फास्ट कंप्रेशन या स्लो कंप्रेशन से सिस्टम इफेक्ट होगा, सराउंडिंग इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसको बोलेंगे कि ये प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है या इंटरनली इरिवर्सिबल है। अब एक्सटर्नली बात करते हैं। देखो मान लीजिए ये सिस्टम है, मान लो आप वेट रीजन में कहीं पे हो, टीएस डायग्राम में बना देता हूं, आप इस रीजन में वेट रीजन में कहीं पे हो, ये पॉइंट है मान लो। तो वेट रीजन में आप कहीं पे होंगे तो वहां पे लिक्विड और वेपर का मिक्सर होगा, ये लिक्विड हो गया और इसमें वेपर भी है, ठीक है। और ये लिक्विड और वेपर क्या होंगे? सेम प्रेशर पे होंगे। मान लीजिए वाटर की बात कर रहे हैं, 1 atmospheric प्रेशर पे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm। अब इसको अपन फेज चेंज कर रहे हैं ना, तो अपन इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कोई हीट सप्लाई का सोर्स है, जिस सोर्स से अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं। और ये मान लो डियर ये है 500 डिग्री सेल्सियस पे, यहां से मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से हीट जा रही है। अब देखो डियर, ये अपना सिस्टम है और ये अपने लिए सराउंडिंग हो गया, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ये 100 पे और ये 500 पे, बहुत ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस है और बहुत हाई टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब ये हीट बहुत फास्ट फ्लो करेगी। और अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल है। तो ये सिस्टम आपका, ये प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल, लेकिन एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि सिस्टम के बाहर की बात हो रही है। अगर मान लो ये इंटरनली रिवर्सिबल है ना, दोनों सेम प्रेशर पे हैं, सेम टेम्परेचर पे हैं, इक्विलिब्रियम में है, और फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ सेम होगा अपने फेज चेंज प्रोसेस में, तो ये इंटरनली तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। एक्सटर्नली क्या है? इरिवर्सिबल। एक्सटर्नली ये कैसा है? इरिवर्सिबल। क्यों इरिवर्सिबल है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आपको इस सिस्टम को एक्सटर्नली रिवर्सिबल बनाना है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो मान लीजिए ये सोर्स है और यहां से मैं हीट सप्लाई करूंगा और ये 101 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो ये जो हीट है ये बहुत स्लोली फ्लो करेगा। बहुत अपन ये बात कर चुके हैं हीट ट्रांसफर किस वजह से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे ये बहुत स्लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत कम है, तो बहुत आराम से हीट फ्लो होगा और स्लो प्रोसेस, तो ये कैसा हो गया? रिवर्सिबल। तो ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो जाएगा। तो डियर एक्सटर्नली रिवर्सिबिलिटी और इंटरनली रिवर्सिबिलिटी बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिस्टम अगर इंटरनली रिवर्सिबल है तो वो एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल ही होगा। बात समझ में आ रही है? ये इंटरनली रिवर्सिबल है लेकिन एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो गया, यहाँ पे इंटरनली भी रिवर्सिबल है, एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल है। हो सकता है कोई सिस्टम एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो लेकिन इंटरनली इरिवर्सिबल हो, तो बोथ द फिनोमिना आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है,
एक अगर अचीव कर लेते हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा भी अचीव होगा। एक अगर इंटरनली रिवर्सिबल है तो इसका कतई मतलब नहीं निकलता कि वो सिस्टम एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल होगा। हो सकता है वो एक्सटर्नली इररिवर्सिबल हो, या एक्सटर्नली रिवर्सिबल है तो हो सकता है वो इंटरनली इररिवर्सिबल हो। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट, क्लियर? बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज इंटरनल रिवर्सिबिलिटी और इररिवर्सिबिलिटी एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी एंड इररिवर्सिबिलिटी। इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी और इररिवर्सिबिलिटी, शायद 10 नंबर का था। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये डायग्राम बना के समझाएंगे तो और अच्छा होगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी का। क्लियर है? अब डियर, इसी चैप्टर में अपन आगे बात करेंगे। अब अपन ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ लिए, सुपर हीटेड रीजन, सबकूल्ड रीजन, कंप्रेस लिक्विड रीजन, वेट रीजन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेशन टेम्परेचर, डिग्री ऑफ सबकूलिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीट, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। ठीक है, इंटरनल रिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी, फेज चेंज प्रोसेस आर इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्या है, फेज चेंज प्रोसेस जितने भी है सारे इंटरनली रिवर्सिबल होते हैं, सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं क्या होता है, एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीजों को समझते हैं। अब बात करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की, ड्राइनेस फ्रैक्शन, और इसको अपन बोलते हैं क्वालिटी ऑफ मिक्सर भी बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ मिक्सर। डियर, इसको अपन स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ मिक्सर। सबसे पहली बात तो ड्राइनेस फ्रैक्शन किस रीजन के लिए डिफाइन होगा? वेट रीजन के लिए। किसके लिए होगा? वेट रीजन के लिए। ड्राई वर्ड का मतलब क्या है? ड्राई का मतलब है वेपर, ड्राई पार्ट। अरे लिक्विड और वेपर का मिक्सर दिया मैंने, तो उसमें ड्राई पार्ट क्या हुआ? वेपर ही तो हुआ। तो आपके पास वेट रीजन है, तो वेट रीजन में लिक्विड और वेपर का मिक्सर होगा। ये वेट रीजन में आके फिर, तो अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पे क्या है? पूरा वेपर, और यहां पे क्या है? पूरा लिक्विड, और यहां पे क्या है? लिक्विड और वेपर का मिक्सर है, लिक्विड और वेपर का मिक्सर है। ठीक है, अगर इस वेट रीजन में कभी बात करेंगे तो लिक्विड और वेपर का मिक्सर होगा। तो इसमें से ये वेपर हो गया और ये लिक्विड हो गया। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि इस मिक्सर में से ड्राई पार्ट कितना है? ड्राइनेस फ्रैक्शन मींस ड्राई पार्ट कितना है। तो ड्राई पार्ट क्या होता है? वेपर। तो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ मिक्सर। तो टोटल मास लिक्विड का मास प्लस वेपर का मास। तो टोटल मास में से, वेट रीजन के टोटल मास में से ड्राई पार्ट कितना है, मींस वेपर का मास कितना है, ये आपको बताता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? देखो डियर, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन पे अगर मैं पूछूं कि वेपर का मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जीरो, क्योंकि इस लाइन पे पूरा लिक्विड ही है। और अगर वेपर का मास मैं जीरो कर दूं तो एक्स कितना आ गया? जीरो। मींस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? जीरो। अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पे मास होगा जीरो, मास ऑफ लिक्विड, क्योंकि इस लाइन पे क्या है? वेपर। लिक्विड का मास जीरो कर देंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? वन। तो इस लाइन का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है? वन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वन है। इस लाइन के इधर तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो मिक्सर है ही नहीं, सिर्फ लिक्विड है। इस लाइन के इधर भी बात नहीं क्योंकि यहाँ पे भी वेपर है, मिक्सर नहीं। आपको क्या बताता है कि उस मिक्सर में वेपर पार्ट कितना है, ड्राई पार्ट कितना है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमेशा इस रीजन के लिए डिफाइन होगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमेशा जीरो से वन के बीच में वैरी करता है। और एक बात और समझो, देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली लाइन है जिसपे जीरो है वैल्यू, और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली लाइन है जिसपे वन है। तो ये जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? जीरो। इस पूरी लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? जीरो। और इस पूरी लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? वन।
अगर मैं यहां बात करता हूँ, यहां बात करता हूँ, कहीं पे भी बात करता हूँ तो रेन इंस्ट्रक्शन वन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज कॉन्स्टेंट रेन इंस्ट्रक्शन लाइन। ये कैसी लाइन है? कॉन्स्टेंट रेन इंस्ट्रक्शन लाइन है, ये लाइन्स जो है ये कॉन्स्टेंट रेन इंस्ट्रक्शन लाइन है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, और इधर से जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा। इसके पैरेलल और लाइंस अगर बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने बोल दिया 0.2 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने बोल दिया 0.8 है, जैसे जैसे इधर की तरफ जाते जाएंगे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यस और नो? ये 0.8 हो गया, जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्लियर? और ये पॉइंट जो होता है ये कौन सा होता है? क्रिटिकल पॉइंट। अब कई बार बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर क्रिटिकल पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक वो पॉइंट है जिसके एक साइड में लिक्विड और एक साइड में वेपर है, मतलब ये एक सेपरेशन कर रहा है लिक्विड और वेपर के बीच में। इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, आप बोल सकते हो थिन सा पॉइंट है, थिन सेपरेशन है जिसके एक साइड में लिक्विड और एक साइड में वेपर है, लेकिन इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं है ना, इस पॉइंट का तो कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पे बात करूं तो ना तो लिक्विड है ना वेपर है, इस पॉइंट के एक साइड में, इस पॉइंट के इधर लेफ्ट में लिक्विड है पूरा, और इस पॉइंट के राइट में पूरा वेपर है। तो कभी भी क्रिटिकल पॉइंट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होता। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये कैसी लाइन्स हैं, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, तो आप ये बोल सकते हो कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन और इज नेट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन और इज नेट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट। ये जितनी भी लाइन्स होती हैं क्रिटिकल पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऑल द कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन आर कन्वर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट, या तो यहां से ओरिजिनेट हो रही है या सारी लाइन से यहां पे जाके मिल रही है। बात समझ में आ रही है? ये सारी लाइनें यहां पे जाके मिल रही है। तो आप क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन आर मीट। ये वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड और वेपर लाइन मिलती हैं। लेकिन इस पॉइंट का अगर बात करेगी, इस पे क्या है तो इस पे कुछ नहीं, एक थिन सेपरेशन है बिटवीन लिक्विड एंड वेपर रीजन। बात समझ में आ रही है? तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑल द कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन आर कन्वर्ज एट क्रिटिकल पॉइंट, या फिर ऑल द कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन और इज नेट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बात करते हैं। देखो, अपने को लिक्विड सॉरी वेट रीजन में, सुपर हीटेड रीजन में, सब कूल रीजन में या सैचुरेटेड लाइंस पे एंट्रोपी, एंथैल्पी, वॉल्यूम्स इनका कैलकुलेशन करा लेता है। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। मान लीजिए उसने बोला ये पॉइंट कोई वन है, ये वेट रीजन में कोई पॉइंट है, ये कोई प्रेशर हो गया P1 मान लो, और इसके करस्पॉन्डिंग ये सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। उसने आपको इस प्रेशर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग टेबल बना के दे दी, और उस टेबल में VF, VG, ये स्मॉल लिख रहा हूं मतलब स्पेसिफिक, UF, UG, HF और HD, ये सारी वैल्यूज दे दी। भाई इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको अपन G से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैंने बताया, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सबको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो आपको मान लीजिए ये पूछ लेता है कि ये जो रीजन है वेट, वेट रीजन है जो पॉइंट वन, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, स्पेसिफिक एंथैल्पी बताओ, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बताओ, स्पेसिफिक एंट्रोपी बताओ, पूछ लेगा आपको टेबल देगा, मान लो एस एफ और एस जी की वैल्यू भी दे दी, ये सारी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो एफ वाली होंगी। जैसे वॉल्यूम की रिगार्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा वी एफ, और इस पॉइंट के रिगार्डिंग अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वी जी, ऐसे यू एफ, यू जी, एस एफ, एस जी, एच एफ, एच जी। लेकिन मैं वन पे पूछ रहा हूँ तो वी वन आप कैसे लिखेंगे? देखो डियर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और कैपिटल वॉल्यूम में तो आपको फर्क पता होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? कैपिटल वी बाई एम। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया था स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स, स्मॉल एस, कैपिटल एस बाई एम, ठीक है, स्मॉल यू, स्मॉल यू। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगर आपको पूछ ले वन पे तो आप कैसे निकालेंगे, मतलब वेट रीजन में अगर आपको पूछ ले
देखो, अगर मैं यहाँ पे वेट रीजन की बात करूं, मैं वॉल्यूम के टर्म में बात कर लेता हूँ, वॉल्यूम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और उसी तरीके से अपन लिख लेंगे। देखो, वेट रीजन में आपके पास लिक्विड भी है और वेपर भी है। ये लिक्विड यहाँ वाला है और ये वेपर यहाँ वाली है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं, कैपिटल वी, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और इसके वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अपन जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मींस अगर मेरे को इस वेट रीजन में टोटल वॉल्यूम निकालना है कि कितना है, तो आप क्या बोल देंगे? सर, वी वी प्लस वी एल, दिस इज द टोटल वॉल्यूम इन दिस वेट रीजन। लेकिन मैं कैपिटल वी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है? कैपिटल वी बाई स्मॉल एम। अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि इसमें मास कितना है, तो आप बोलेंगे सर मास ऑफ वेपर ये है एंड दिस इज मास ऑफ लिक्विड, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ मिक्सर, तो आप बोल देंगे एम इक्वल टू सर एम एल प्लस एम वी। क्लियर? क्योंकि मास, वॉल्यूम, ये सब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं। लेकिन स्मॉल वी, स्मॉल एच, ये तो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। कैपिटल वी हो गया, मास जो हो गया, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन साइज। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास और साइज पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहां से मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल टू एम इंटू वी। तो देखो, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये एम क्या है? मास ऑफ मिक्सर। और ये वी क्या है? टोटल मास ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। तो इस कैपिटल वी को मैं लिख सकता हूँ एम इंटू स्मॉल वी। इसी तरीके से इस कैपिटल वी को, ऑफ वेपर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी इंटू वी वी प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ? एम एल इंटू स्मॉल वी एल। देखो, यहां से इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व करिए। देखो, नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं। इक्वेशन इज एम स्मॉल वी इक्वल टू एम एल वी एल प्लस एम वी वी। यहां पे ये जो वी है, ये सब स्पेसिफिक है। ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, और ये टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। तो मेरे को स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, टोटल कितना होगा, तो कैपिटल एम से डिवाइड कर देंगे, एम एल वी एल प्लस एम वी 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 डिवाइडेड बाई एम। और ये एम क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ एम एल प्लस एम वी, एम एल प्लस एम वी। अब देखिए, इसको सोल्व करिए। ये एम एम एल इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एम एल अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर लो, एम एल प्लस एम वी इंटू वी एल प्लस एम वी डिवाइडेड बाई एम एल प्लस एम वी इंटू वी वी। क्लियर है? देखो डियर, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन इज एम वी अपॉन एम वी प्लस एम एल। तो ये एम वी अपॉन एम वी प्लस एम एल, ये तो बन गया एक्स, लेकिन ये क्या है? वन माइनस करो, वन माइनस कर दो, दोनों साइड से वन माइनस कर दो एम वी प्लस एम एल। ये क्या बच जाएगा? एम वी प्लस एम एल माइनस एम वी मीन्स एम एल अपॉन एम वी प्लस एम एल। इसका मतलब ये क्या आ गया? वन माइनस एक्स। इज इट क्लियर? तो ये स्मॉल वी किसके बराबर हो गया? वन माइनस एक्स वी एल प्लस एक्स वी वी, एक्स वी वी। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सर? माइनस एक्स वी एल प्लस एक्स वी वी। यहां से वी एल और एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं, जस्ट वी एल माइनस माइनस बी, ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा। ये आपके पास क्या आ गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। ठीक है, अब देखो, ये एल जो है ये लिक्विड है, एल जो है कि कौन सा है? ये एल यहाँ पे कौन सा है? ये एल, ये लिक्विड वाला है, और इस लाइन को अपन एफ से दिखाते हैं, और ये जो है ये यहाँ वाला है, इस लाइन को अपन जी से दिखाते हैं। एल की जगह मैं एफ लिख दूंगा और वी की जगह मैं लिख दूंगा जी। एल की जगह एफ लिख दो, हो जाएगा वी एफ प्लस एक्स, ठीक है,
माइनस वी एफ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। तो डियर आपको क्या मिला, आपको वेट रीजन में स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने निकाल लिया, दैट इज वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। देखो क्या अपन ने निकाला है कि अगर आपके पास वेट रीजन में कोई पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए दिस इज पॉइंट वन, तो आप इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे वी एफ प्लस एक्स वन वी जी माइनस वी एफ। और ये वी एफ और वी जी की वैल्यू कौन सी होगी, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे और ये जी की, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज एफ और ये हो जाएगा जी। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको पॉइंट वन पे टोटल वॉल्यूम निकालना था तो ये अपन इसको वी एल प्लस वी वी कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल वी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऐड हो सकती है, लेकिन स्मॉल वी जो है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो अपन ने इस तरीके से निकाल लिया। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है कैपिटल, तो मैं क्या लिख दूंगा यू एल प्लस यू टी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो यू वन, मान लीजिए पॉइंट वन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकालनी है, सेम ऐसे ही लिख देंगे यू एफ प्लस एक्स वन यू जी माइनस यू एफ। ऐसे मान लीजिए मेरे को एंथैल्पी निकालनी है एच वन, तो दिस इज एच एफ प्लस एक्स वन एच जी माइनस एच एफ। ऐसे मान लीजिए मेरे को एंट्रोपी निकालनी है, तो एस वन क्या हो जाएगा एस एफ प्लस एक्स वन एस जी माइनस एच जी। ये सब प्रॉपर्टी कैसी है, स्पेसिफिक में रहेंगी, क्या होगी इसकी यूनिट क्या देगी, मीटर क्यूब पर देगी, इन दोनों की यूनिट क्या देगी, इसकी यूनिट क्या देगी, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो मैंने आपको वेट रीजन में कैसे कैलकुलेशन होती है ये बताया, वेट रीजन में एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, ये सब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन ने यहाँ पे सीखा है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए वेट रीजन के अलावा कहीं और बात करें, जैसे वो एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये जो दो कैलकुलेशन है एंथैल्पी और एंट्रोपी की, ये कैलकुलेशन जब आप पावर प्लांट पढ़ेंगे तब भी आपके काम आएगा, जब आप रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल तब भी आपके काम आएगा। तो एंथैल्पी कैलकुलेशन देखते हैं पहले, एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स, अभी तक अपने सिर्फ वेट रीजन में निकाला है, अब अपन सारे पॉइंट्स पर निकालेंगे। टेम्परेचर एंथैल्पी कर्व बना रहा हूं क्योंकि मैं एंथैल्पी निकालूंगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। देखो आपको कहाँ कहाँ पूछ सकता है, सुपर हीटेड रीजन में कोई पॉइंट मान लीजिए वन, एक तो यहाँ पे पूछ सकता है, इस लाइन पे कौन सी लाइन पे, ये जो आपकी लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन, इस पे पूछ सकता है, वेट रीजन में आपको पूछ सकता है, इस लाइन पे आपको पूछ सकता है, और सब कूल रीजन में आपको पूछ सकता है। ये पांच पॉइंट है जहां पे आपसे वो कैलकुलेशन करा सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। डियर मान लो इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसने आपको टेबल बना के दे दी, ये पी वन प्रेशर मान लो, इस प्रेशर और टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसने टेबल दे दी, और सबसे पहले थ्री पॉइंट पे बात कर लेते हैं, एच थ्री, ये तो अभी अपन ने निकाला, क्या होगा देखो ये क्या हो जाएगा एच फोर, ये क्या हो जाएगा एच टू, तो एच थ्री क्या होगा, ये होगा एच थ्री, दिस विल बी एच थ्री, ये जो एंथैल्पी होगा ये होगा एच फाइव, और यहां से यहां तक की जो एंथैल्पी होगी ये होगी एच वन। तो आपको पूछा है पहले एच थ्री बताओ, तो एच थ्री क्या होगा, ये एच फोर जो है इसी को मैं लिख सकता हूं एच एफ, और एच टू जो है इसी को मैं लिख सकता हूं एच जी, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो एफ और इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो जी। तो एच थ्री को अपन क्या लिख सकते हैं, एच एफ अभी निकाला प्लस एक्स एच जी माइनस एच एफ, ये वेट रीजन में कैलकुलेशन हो गई। एच टू अगर आपसे पूछता है तो एच टू क्या हो गया, एच एफ सॉरी एच जी जो आपको टेबल में डायरेक्ट देगा। एच फोर अगर आपसे पूछता है तो एच फोर क्या हो गया, एच एफ जो कि आपको टेबल में डायरेक्ट देगा। एच वन की कैलकुलेशन मान लीजिए वो आपसे करा देता है, तो एच वन आप कैसे निकालेंगे डियर,
एच वन में आप एच जी में आप ये वैल्यू ऐड करेंगे और इसको मान लो डेल एच, तो आप एच वन निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर एच जी में डेल एच, ये डेल एच क्या होगा कोई बता सकता है, ये डेल एच क्या होगा? देखो एंथैल्पी जो होता है क्या होता है, चलो पहले आप लोग सोचो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एयर है या गैस है तो एयर के केस में अपन एंथैल्पी हमेशा सीपी डेल्टी लिखते हैं। तो डियर यहां पे क्या है, वेपर। अगर मैं इसको आइडियल गैस मान लूं, क्या मान लू, आइडियल गैस मान लू, तो डेल एस को मैं क्या लिख दूंगा, सीपी डेल्टी। डेल्टी मतलब अगर मैं ये वैल्यू इसमें ऐड कर देता हूं तो एच जी में अगर ये वैल्यू ऐड करते हैं सीपी टी वन माइनस टी टू, और ये सीपी किसका है, वेपर का। अरे सीपी आपका और मेरा तो है नहीं, सीपी किसका है, वेपर का। यहाँ पे क्या है, वेपर। तो ये एच वन क्या होगा, एच जी प्लस सीपी डेल्टी, दैट इज टी वन माइनस टी टू, दिस विल बी एच वन। ऐसे ही मान लो डियर आपसे एच फाइव पूछ ले, तो आप बोलोगे सर एच एफ में से ये वैल्यू माइनस कर लो, और यहां पे है लिक्विड, और लिक्विड के केस में क्या होता है एंथैल्पी, लिक्विड के केस में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों बताया मैंने, सी टी क्या होता है, सी टी। तो एच फाइव क्या हो जाएगा, एच वन में से आप माइनस कर देंगे क्या, सी पी डेल्टी, दैट इज टी फोर माइनस टी फाइव, और ये सी पी किसका होगा, लिक्विड, टी फोर माइनस टी फाइव। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हर पॉइंट पे एंथैल्पी का कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन अपना एंट्रोपी का है। ये समझ में आ गया क्या, बताइए जरा, ये क्लियर हुआ क्या, बताइए। हाँ देखिए, अब अपन बात करते हैं एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंट्रोपी वैल्यूज, वेरियस पॉइंट्स। सेम जैसे एंथैल्पी कैलकुलेशन कराया वैसे ही एंट्रोपी कैलकुलेशन करेंगे। तो एंट्रोपी कैलकुलेशन करेंगे तो इस बार टी एस डायग्राम लेंगे, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व लेंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से अपना कर्व बनेगा। अब यहां पे भी आपको वही सारे पॉइंट्स पे पूछ सकता है। ये मान लीजिए दिस इज पॉइंट नंबर वन, दिस इज पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, यहां पे वेट रीजन में ले लेते हैं, ये फोर ले लेते हैं, और यहां पे फाइव। ये जो वैल्यू होगी ये एस फोर होगा और इसको मैं एस एफ लिख सकता हूं, और ये जो वैल्यू होगी ये एस टू होगा जिसको मैं एस जी लिख सकता हूं, और इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होगा दैट इज एस जी, एस जी माइनस एस एफ, ठीक है। क्या मैं एस जी माइनस एस एफ को लेटेंट हीट बोल सकता हूं? देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लेटेंट हीट नहीं है बेटा, लेटेंट हीट एच जी माइनस एच एफ होता है, ये लेटेंट हीट नहीं है, एंट्रोपी डिफरेंस है ये एंट्रोपी डिफरेंस लेटेंट हीट नहीं होता है, एंथैल्पी डिफरेंस लेटेंट हीट होता है, ठीक है ना। देखो एस थ्री तो अभी अपन ने निकाला, एस थ्री क्या होगा, एस एफ प्लस एक्स एस जी माइनस एस एफ, और ये एक्स कहां पे आएगा, पॉइंट थ्री का एक्स आएगा एस थ्री। अगर मैं एस टू की बात करूं तो एस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस एफ, और अगर मैं बात एस फोर की, सॉरी दिस इज एस जी, ये होगा एस जी, और अगर मैं फोर पॉइंट की बात करूं तो ये हो जाएगा एस फोर। देखो मैं एस टू को क्या, ध्यान से समझना, एस टू को मैं एस जी बोल सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एस एफ
मीन्स एस फोर प्लस दिस, ये क्या है एस जी माइनस एस एफ। यस, अपने से कोई मेरे को एस जी माइनस एस एफ का वैल्यू बता सकता है? ये क्या एंट्रोपी डिफरेंस। और अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो उसका एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया था सोर्स का, सिंक का, क्यू बाई टी। तो यहाँ पे क्यू क्या है, एस जी माइनस एस एफ को अपन लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर बोलेंगे। और ये कौन सा टेम्परेचर पे है? दिस इज सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इसको अपन टी सैचुरेशन लिख सकते हैं। तो डियर एस जी को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, एस एफ प्लस लेटेंट हीट बाई टी सैचुरेशन। आपके गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन आया हुआ गेट में, दो तीन साल पहले आया था, उसमें है ना एस जी पूछा था, इसी पॉइंट पे एंट्रोपी पूछ ली थी और ये एंट्रोपी आपको डायरेक्ट टेबल में नहीं दी थी। तो आप इस एंट्रोपी को ऐसे भी निकाल सकते हो। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? एच जी माइनस एच एफ। तो अगर आपके पास टेबल में एच जी एच एफ है, सैचुरेशन टेम्परेचर वो आपको टेबल में देगा ही, और अगर एस एफ दिया हुआ है तो आप एस जी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो 2, 3, 4 पे अपना कैलकुलेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। देखो, अगर मेरे को एस वन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यहां तक आऊंगा, ये क्या है, यहां से यहां तक एस जी, और इसमें अगर मैं ये वैल्यू एड कर दूंगा दैट इज डेल एस, तो मेरा काम हो जाएगा। तो एस जी प्लस डेल एस। अब ये डेल एस कैसे निकाला जाए? डेल एस क्या बता रहा है? एंट्रोपी चेंज बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। ये डेल एस क्या बता रहा है? एंट्रोपी चेंज बिटवीन वन एंड टू ना भाई। इस डेल एस को मैं लिखूंगा एस वन माइनस एस टू। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, ये लाइन आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अगर मैं आइडियल गैस मान लेता हूं तो आइडियल गैस के लिए आपके पास 1 का और 2 का टेम्परेचर है, प्रेशर भी पता है, तो आइडियल गैस का एंट्रोपी कैलकुलेशन क्या होता है? एस टू माइनस एस वन इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, मैं पहले फॉर्मूला बताता हूँ, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 करना है तो 1 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो ये तो जीरो में चला गया। तो अगर आप एस जी में ये ऐड कर देंगे आपको एस वन मिल जाएगा। या देखो, यहां से अपन यहां से भी लिख सकते हैं एस वन इक्वल टू ये माइनस इधर आके प्लस में, और एस टू क्या है? एस जी। तो एस जी प्लस टी टू किसका? वेपर का। टी वन बाई टी टू एंट्रोपी एट पॉइंट वन, ये पॉइंट वन का एंट्रोपी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो 2, 3, 4, 1 ये सारे पॉइंट्स की कैलकुलेशन अपन ने कर ली। क्लियर? ऐसे ही एस फाइव क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से लिखेंगे एस फाइव। ये क्या हो जाएगा? एस वन माइनस, माइनस होगा ना, वन से माइनस, सॉरी फोर से माइनस होगा, और फोर पे क्या लिख सकता हूं मैं? फोर को मैं लिख सकता हूं एस एफ। एस एफ में से माइनस होगा क्या? सी पी एल एल एन टी फोर बाई टी फाइव। यहाँ पे 4 में से माइनस करोगे, यहाँ पे 1 में 2 में ऐड करोगे, तो इस तरीके से अपन एंट्रोपी निकालते हैं। तो ये आपका एंट्रोपी और एंथैल्पी कैलकुलेशन है। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर है? अब कुछ और जनरल बातें करते हैं इस टॉपिक में। देखो, मोलर डायग्राम की बात करते हैं। मोलर एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी कर्व। मोलियर ने एंथैल्पी जो वर्ड है ये मोलियर साहब ने दिया था। सबसे पहले मोलियर साहब ने एंथैल्पी वर्ड जो है ये इंट्रोड्यूस करा था। देखो, अभी तक अपन कौन कौन से डायग्राम बनाना जान गए, टी एस और टी एच। ये दो डायग्राम अपन ने बनाना सीख लिए कि कैसे फेज चेंज होता है और उसको एस और टी एस और टी एस डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से अपन एच की वैल्यू उठा लेंगे और यहां से एस की, और एच एस डायग्राम बना देंगे जिसको अपन बोलेंगे मोलियर डायग्राम। तो एच एस डायग्राम ये होता है डियर, मोलियर डायग्राम इस तरीके से बनता है। अब फेज चेंज प्रोसेस में
इंस्टाग्राम से एचएस का वैल्यू उठा के इस पर लोड करोगे तो आपको इस तरीके से पॉइंट ये कर्व मिलेगा। ये कर्व कैसा था? बिल्कुल इस तरीके से, ये भी ऐसे था बिल्कुल। लेकिन इसमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, चीजें वही है सारी, टर्म्स वही है। देखो सब कूल रीजन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, वेट रीजन, सुपर सैचुरेटेड वेपर लाइन, सुपर हीटेड रीजन, सारी चीजें वही है, बस इनका शेप चेंज हो गया क्योंकि कैलकुलेशन चेंज हो गई, अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए तो शेप भी चेंज हुआ। तो ये एचएस डायग्राम होता है। और डियर इस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन की मैं बात करूं, भाई यहां पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे बन रही थी, यस, लेकिन इस डायग्राम पे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है वो ऐसे बनती है, यहाँ पे वेट रीजन में स्ट्रेट लाइन बनती है और ऐसे फिर बाहर की तरफ निकल जाती है, कर्व बनती है ऐसे, ऐसे बनती है। और यहाँ पे एक खास बात है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये मान लीजिए P1 कांस्टेंट, P2 कांस्टेंट, ये P1 कांस्टेंट, ऊपर की तरफ प्रेशर जा बढ़ रहा है, ये सब फिनोमेना वही है। यहाँ पे एक खास बात ये है कि जब अपन वेट रीजन में देखते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन जैसे ही अपन सुपर हीटेड रीजन में एंटर करते हैं ये जो लाइंस होती हैं ये डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। और इसका रीजन क्या है, ये कई बार पूछा गया है। कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ऑन मोलियर डायग्राम इन वेट रीजन आर पैरेलल टू इच अदर बट इन सुपर हीटेड रीजन दे आर डाइवर्जिंग, व्हाई व्हाई दीज लाइंस आर डाइवर्जिंग इन सुपर हीटेड रीजन। देखो इसका रीजन मैं समझाता हूँ आपको। कोई भी लाइन जब अपन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए अपने को उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। मैं एक इक्वेशन यूज कर रहा हूं, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। अब आप बोलेंगे सर आपने ये इक्वेशन क्यों यूज करी? डियर ये थर्मोडायनेमिक्स की यूनिवर्सल इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डीपी चला गया जीरो में, तो यहां से क्या मिला? TDS इक्वल टू DH। तो लाइन का स्लोप क्या हो गया? DH बाई DS क्या आ गया? T के बराबर। देखो स्लोप क्या होता है? dy बाई dx, और यहां पे y की जगह क्या है? H, और x की जगह क्या है? S। तो स्लोप क्या हो गया? DH बाई DS एंड दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर T, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर T। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ऑन मोलियर डायग्राम, what is the slope of constant pressure line on Mollier diagram that is equal to temperature T। अब देखो डियर यहाँ पे हम superheated region की बात करते हैं तो temperature बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा फास्टली बढ़ेगा। लाइक देखो टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व बनाओ, देखो यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ज्यादा ये है, लेकिन अगर इस लाइन पे बात करूं तो यहां पे और ज्यादा बढ़ तो यहां पे भी रहा है, लेकिन ये ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है ना, यहां पे टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ऊपर वाली लाइन का स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, तो ऊपर वाली लाइन का स्लोप ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस लाइन, आप समझ पा रहे? इसका स्लोप ज्यादा होगा इसीलिए ये बाहर की तरफ निकल जाती है, ये भी बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन ये इतना नहीं निकलती और ये लाइन डाइवर्स करती जाती है, स्लोप बढ़ता जाएगा, तो लाइंस जो हैं वो सुपर हीटेड रीजन में क्या हो जाती हैं? डाइवर्जिंग हो जाती हैं, और वेट रीजन में एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो ये मोलियर डायग्राम है, बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन होती है उसका स्लोप किसके बराबर होता है? टेम्परेचर के बराबर। एंड जो कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है दे आर पैरेलल इन वेट बट डाइवर्जिंग इन सुपर हीटेड रीजन। क्लियर? तो अपन प्रेशर डायग्राम बनाना सीखे, TS, TH एंड HS। अब नेक्स्ट डायग्राम दैट इज PV डायग्राम की बात करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। PV डायग्राम कैसे बनता है? ये डायग्राम बनता है लगभग ऐसे, ये जो लाइन होती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा क्यों? ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे होता है ये लगभग, ऐसा क्यों? ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? देखो
फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये इस लाइन पे क्या है लिक्विड और इस लाइन पे क्या है वेपर। अपन ये जानते हैं कि लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। अगर अपन टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो लिक्विड के जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होता है। यस, अब इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे लिक्विड है, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, वॉल्यूम में चेंज बहुत अच्छा आ गया, इतना प्रेशर डिक्रीज करा तो इतना वॉल्यूम में चेंज आया, लेकिन यहाँ पे इतना प्रेशर चेंज करने पे वॉल्यूम में चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। तो पीवी डायग्राम इस तरीके से बनता है, और इसमें इसी लाइन का रीजन पूछा जाता है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन क्यों है। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, बात समझ में आ रही है? इसका रीजन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया कि जो वॉल्यूम, जो आपका लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और इनकम्प्रेसिबल है तो आप अगर अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो जो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, इसीलिए ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? देखो डियर, अब कुछ जनरल बातें करते हैं फेज चेंज के बारे में, अच्छा अपन बात करें। अच्छा ये बताइए, यहां तक क्लियर है? देखो फेज चेंज प्रोसेस के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्जन होता है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट होना या फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन। क्लियर? अगर लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन होता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज होना। लिक्विड से वेपर, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपर टू लिक्विड। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड से वेपर वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन, बोलते हैं ना कंडेंस कर दिया तो ये लिक्विड में बदल गया। ऐसे ही सॉलिड से भी डायरेक्ट वेपर में कन्वर्जन होता है, सॉलिड टू वेपर, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और कई बुक्स में आप देखोगे, स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं फॉरेन ऑथर की, उनमें आप देखोगे वेपर से जो सॉलिड कन्वर्जन होता है इसको वो बोलते हैं अब्लिमेशन। अब्लिमेशन। तो डियर, अगर मान लीजिए सॉलिड लिक्विड की बात करें, देखो जो सॉलिड होता है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर अपन उसको हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होते हैं, और ज्यादा हीट देंगे जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा उसके मॉलिक्यूल और दूर दूर हो जाएंगे। लिक्विड सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल उससे थोड़ा दूर होते हैं और वेपर में और ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई सॉलिड है उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इसको अपन बोलेंगे एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। और अगर आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर हैं, आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसको अपन बोलेंगे कंप्रेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया। लेकिन डियर वॉटर में ऐसा नहीं होता। देखो जनरल सब्सटेंस की बात करें तो सॉलिड से अगर आप लिक्विड कन्वर्ट करते हो, सॉलिड से जब आप लिक्विड बनाते हो, तो इसको अपन बोलते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मींस दिस इज एक्सपेंशन। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप लिक्विड से सॉलिड बनाते हो, लिक्विड से सॉलिड बनाते हो, तो यहां पे क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन।
लेकिन वोटर के केस में ऐसा नहीं होता, वोटर में जस्ट अपोजिट बिहेवियर होता है। वोटर के केस में क्या होता है, अपोजिट बिहेवियर होता है। वोटर में अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस तो मेल्टिंग ही है, प्रोसेस का नाम तो मेल्टिंग ही है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मींस कंप्रेशन। मींस आपके पास आइस है मान लो, और आइस को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, वॉटर में। आइस को आप कन्वर्ट कर रहे हो वॉटर में, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ऐसे ही मान लो कि आप लिक्विड है, मींस आपके पास वॉटर है, और इसको आप फ्रीज कर रहे हो, मीन्स आप इसका आइस बना रहे हो। आइस मीन्स सॉलिड फॉर्म। तो यहां पे ये प्रोसेस फ्रीजिंग ही है, लेकिन इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मीन्स कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन। तो डियर यहां पे क्या हो रहा है, वॉटर जस्ट अपोजिट बिहेवियर कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड कंप्रेशन, लेकिन लिक्विड से सॉलिड एक्सपेंशन। जनरल सब्सटेंस में सॉलिड टू लिक्विड एक्सपेंशन, लेकिन वॉटर में सॉलिड टू लिक्विड कंप्रेशन। मीन्स वॉटर जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर, अपोजिट बिहेवियर शो करता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स वो अंदर से खोखला होता है। आइस क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको, देखो ये पेज है, ठीक है, आइस जो होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, खोखला होता है, अंदर से केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जब आप इसको हीट देंगे, आइस सॉलिड फॉर्म में है, जब आप इसको हीट देंगे मतलब लिक्विड में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सॉलिड टू लिक्विड मीन्स मेल्टिंग। तो क्या होगा, आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक होता है, अंदर से एक खोखला होता है, बाहर इसका वॉल्यूम है। तो जैसे ही आप इसको हीट देंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये अंदर जो खोखला उसमें अंदर जो खोखली जगह है ना, वहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा ये। तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, मींस आइस को जब अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, आइस को जब अपन वॉटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक्सपैंड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर जनरल सब्सटेंस की बात करें तो वो एक्सपैंड हो रहा है। तो वॉटर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, वॉटर जो है वो अपोजिट बिहेवियर शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका रीजन क्या है, रीजन मैंने अभी बताया, आइस का स्ट्रक्चर जो होता है ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से वॉटर अपोजिट बिहेव करता है। ठीक है, आपको डियर ये सॉलिड लिक्विड, जैसे अपन ने सॉलिड लिक्विड से वेपर कन्वर्जन पूरा पढ़ लिया है, ऐसे ही जब अपन सॉलिड और वेपर कन्वर्जन की बात करेंगे, तो एक कर्व होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और यहाँ पे होता है गैस, ये कर्व कई बार पूछा गया है, या वेपर बोल दो। ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जहां पे सॉलिड और लिक्विड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। एक है क्रिटिकल पॉइंट, जो भी मैंने बताया क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन मिलती है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इट इज अ पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। और डी इसके डेटा भी ध्यान करने होते हैं, H2O के रेस्पेक्ट में इसके डेटा भी याद करने हैं आपको। ट्रिपल पॉइंट का जो ये मैंने पहले भी बताया होता है, ये होता है 611 पास्कल, और जो टेम्परेचर होता है 0.0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड फेज है, यहाँ पे लिक्विड वेपर, तो इस रीजन, इस लाइन को क्या बोलेंगे, या मेल्टिंग लाइन, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड से वेपर, इसको बोल देंगे वेपराइजेशन लाइन। और यहां से सॉलिड से वेपर कन्वर्जन हो रहा है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन लाइन। तो ये प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, और इसमें ट्रिपल पॉइंट क्या है, पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट जो है प्रेशर टेम्परेचर कर्व में पॉइंट होता है। ऐसी एक पीटी कर्व की तरह ही ये जो तीनों फेजेस हैं ये अपन पीवी कर्व पे भी शो करते हैं। और पीवी कर्व कैसा आता है,
ऐसे पीवी कर्व बनता है, ये ऐसे पीवी कर्व होता है। यहाँ पे सॉलिड फेज होता है, यहाँ पे देखो लिक्विड था, यहाँ पे है वेपर, यहाँ पे क्या है लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड प्लस लिक्विड, और यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे वेपर, तो यहाँ पे होगा सॉलिड प्लस वेपर। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन से लिक्विड, वेपर और सॉलिड तीनों कॉन्टेक्ट में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। लेकिन इस बार ये लाइन है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे क्या है, लाइन है। कई बार ये क्वेश्चन ईएससी में, ऑब्जेक्टिव में या जेईई के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम भी ये पॉइंट है, बट इट इज अ लाइन ऑन पीवी डायग्राम। कई बार पूछा गया है ट्रिपल पॉइंट जो है, इट इज अ पॉइंट ऑन पीटी डायग्राम बट इट इज अ लाइन ऑन पीवी डायग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? ठीक है डियर, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपना एक और चैप्टर बचा हुआ है थर्मो में। ये जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है इनको अच्छे से आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, आज आप बच्चे नहीं आए क्लास में, तो आप इसको रिकॉर्डेड देखना और उसको समझना। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे नंबर दे दिए मैंने आपको, और नोट्स अगर चाहिए, अगर आप सिंसियरली मेहनत करना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स देने के लिए भी तैयार हूँ। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, एक बार नंबर फिर से बता देता हूँ आपको, 9782175527, बसंत गुप्ता। आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज करना, अपना नेम कॉलेज लिख के, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सअप करना इस नंबर पे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन वो नोट्स लेने का फायदा तभी होगा जब आप उनको घर पे बैठ के पढ़ोगे, है ना। ऐसे मैं नोट्स आपको दे तो दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप सिंसियरली स्टडी करना चाहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, हम सब देने के लिए तैयार है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइड हम आपको कर ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब अगर आप स्टार्टिंग से, अगर आपने स्टार्टिंग से क्लासेस देखी अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो पहली क्लास से फिर से रिवाइज करो, अपने सामने नोट्स रखो, क्लास देखो और नोट्स में वो चीजें पढ़ते रहो। ठीक है, और कुछ लगता है कि क्लास में ये चीज एक्स्ट्रा है या कम है तो नोट्स में उतार लो, क्योंकि नोट्स मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने रैंक इंप्रूवमेंट बैच का नोट्स है ये जो मैंने अभी पढ़ाया, और उसमें मैंने 72 आवर्स में बेसिक थर्मो खत्म कराया। अपने को यहाँ पे थोड़ा कम टाइम मिला है, तो मैं आपको उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट्स में उतना टाइम नहीं दे पाया हूँ। सारे कवर मैंने करे हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा लिमिटेड था, है ना। तो आपको नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी डिटेल में, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। कोई डाउट है आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसको क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं। इस वीक अपनी और कोई क्लास है नहीं, नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा, उस पर अपन अपना लास्ट चैप्टर बचा हुआ है थर्मो का, दैट इज थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट वीक जो भी शेड्यूल होगा उस पर अपन लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।